ऐसा देश जिसे संतों की भूमि कहते हैं, एक ऐसा देश जहाँ न जाने कितने ही साधु संतों ने जन्म लिया और इस धरती को धन धन्य कर दिया। इसी तरह आज से कई वर्षों पहले बिहार के पटना में जन्म हुआ एक ऐसे संत मनीषी का, जिनके जीवन का केवल एक उद्देश्य था, हरि नाम का प्रचार प्रसार करना। जी हाँ, परम पूज्य स्वामी श्री मधुमंगल दास जी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। महाराज श्री का बचपन का नाम सरदार जी था, लेकिन उनकी माँ प्यार से विनोद या विनोदवा बुलाती थी। महाराज श्री की माता का नाम सावित्री देवी और पिता का नाम रामदेव जी था। महाराज श्री के माता पिता दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। हरि के नाम का स्मरण सुन सुन कर ही गुरु जी का बचपन बीता, जिस कारण बचपन से ही महाराज श्री का ध्यान धार्मिक कार्यों में लग गया। ईश्वर के नाम के स्थान के साथ साथ ही महाराज श्री ने अपनी शिक्षा पटना के हाई स्कूल से पूरी की और फिर मुंबई में आकर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन को समर्पित हो गए। महाराज श्री पिछले 18 से 20 वर्षों से मुंबई से सटे वसई तालुका नाला सोपारा विरार में आकर रहने लगे और कृष्ण नाम संकीर्तन, भागवत कथा तथा अनेक धार्मिक कार्यों द्वारा हरि के नाम का प्रचार प्रसार का कार्य शुरू कर दिया। और हरि के नाम का प्रचार प्रसार गुरुजी ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया। गुरुजी अब तक देश विदेश में 500 से अधिक कथाएं कर चुके हैं और अपना गृहस्थ जीवन भगवान की सेवा कथा प्रचार में समर्पित कर चुके हैं। ऐसे पूज्य ओजस्वी कथाकार स्वामी श्री मधुमंगल दास जी महाराज से धर्म ग्रंथों पर आधारित कथा के आयोजन करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 7021472191, 9920949 4965 6। साथ ही आप पूज्य महाराज श्री को YouTube या Facebook पर CHSH Foundation टाइप कर कथा का लाभ ले सकते हैं। आज भी वो वृंदावन धाम लीला धाम है। यहाँ पे इस संसार में घटना होते रहती है, संसार में पेपर में और न्यूज में सुनते ना, ये घटना ये दुर्घटना, लेकिन वृंदावन में ना घटना ना दुर्घटना, नित्य भगवान की लीलाएं होते रहती है। तो ऐसे भगवान परम कृपालु है, भक्तों के शरणागत भक्तों के हो जाते हैं, उनको अपना लेते, अपना मुंडी अपना गर्दन अपना सर अपना माथा अपने आप को झुका देते, उसके चरणों में अर्पित कर देते, उसके पीछे पीछे चलते हैं। हजारों साधु संतों का उदाहरण आप सबने सुना होगा। तो हम सब प्रयास कर सकते अपना प्रेम जो संसार में लोगों को दे रहे, संसार में लोगों से लगाया हुआ है, वो भगवान को सिर्फ क्या करना है, बदलना है, पाला बदलना है। जैसे अभी पार्टी बदलते हैं ना, ऐसे हमें भी पार्टी बदलना है, संसार से हटा के यही वाला प्रेम भगवान के चरणों में शिफ्ट करना है, बस इतना ही करना है। संसार छोड़ना नहीं है, संसार के साथ सबको लेके भगवान की सेवा में लगना है। गृहस्थियों की यही महिमा है, ये कांग्रेगेशन की यही महिमा है। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि घर घर में मंदिर हो। प्रभुपाद क्या कहते थे कि एवरी हाउस शुड बी ए टेम्पल, एवरी हाउस शुड बी ए टेम्पल, हर घर एक मंदिर होना चाहिए। वो कैसे होना, हर घर में मंदिर है, मंदिर में भगवान की सेवा होती है, सभी भक्त हैं, प्रसाद खाते हैं, तो मंदिर है, मंदिर में और होता क्या है, और तो कुछ नहीं होता। लेकिन घर कभी होता है जब घर में हम खाना खाते हैं, पकाते पकाते आधा खा लेते, ये वाला डिपार्टमेंट, और इसमें जो नहीं पकाने वाले कभी कभी पकाते तो बीच बीच में टेस्ट करते, अच्छा हुआ कि नहीं, पत्नी जी स्वीकार करेंगी कि नहीं, देवी जी आने वाले अभी उधम करके, है ना। तो भाई खाना नहीं खाना है, प्रसाद खाना है, खाना को प्रसाद बनाना बड़ा आसान है, सिर्फ गोविंद अर्पणम तुलसी डाल के, वही दाल चावल सब्जी यहाँ वही मिलने वाला है, आखिरी दिन में 56 भोग मिलेंगे, सिर्फ उसको अच्छे से बनाना है शुद्ध सात्विक तरीके से, और भगवान को कहना भगवान खा लो, मुझे ना मंत्र आता है ना जप आता है तप आता है, रो रो को बोलिए उस भिखारी की तरह, आप दयालु हो परमालु हो, सबके खा ले तो मेरे भी खा लो, प्लीज प्लीज खा लो, खिला के तो देखिए।
एक और भिखारी था, एक और भिखारी। मैं भिखारियों की इसलिए कथा सुना रहा हूं, राजाओं की भी सुनाऊंगा। बड़े बड़े राजा भगवान के भक्त हुए, भिखारी जिनके पास नहीं है उनका भी भगवान आलिंगन करते, अपना लेते हैं। और हम सब भिखारी जैसे ही है, छोटा मोटा कटोर छुप छुप के जाते हैं और भीख मांगते, कभी ये बाबा, कभी ये बाबा, कभी ये मंदिर, कभी ये पेड़, पेड़ को भी मांगते हैं, ये पेड़ देवता। भगवान को छोड़ दिया घर में, पेड़ से मांग रहा है, कितना बुद्धिमान है। पेड़ में धागा लपेटते रहते, पेड़ में शक्कर और गंगा जल डालते रहते, अरे भगवान देगा कि पेड़ देगा? कुत्ते को रोटी खिलाओ, खिलाना मना नहीं, खिलाओ उसको, जीव है, लेकिन कुत्ता देगा कि भगवान देगा? हाय रे हाय, हाय रे हाय, कैसी बुद्धि, कैसे पढ़े लिखे जीव है। वो भीख मांगता था भिखारी बेचारा, अब जो मिलता था भीख में वो भगवान को गोविंद अर्पणम करके खिला देता था और फिर खाता था। अब भीख में क्या मिलता है मालूम है ना? बासी, पुराना, जूठा, जो नहीं कोई खा सकता है वैसा। तो रोज का नियम था, जो भी मिलता था दोपहर को जब उसका टाइम होता था, सब सामने रख के एक तुलसी पत्ता डालता था और बोलता था गोविंद अर्पणम, भगवान खा लो आप। भगवान भी खा लेते थे, भैया भगवान तो प्रेम खाते हैं ना, भगवान प्रेम के भूखे, थोड़े खाना देते खाते हो, उनके पास खाने की कमी है क्या? हजारों हजार लक्ष्मियां, करोड़ों करोड़ लक्ष्मियां लाइन में खड़ी है भगवान की सेवा के लिए। मैं क्या बना के लाऊं, क्या बना के लाऊं? और लक्ष्मी जी जो व्यंजन बनाते हैं ना, अगर हम लोग सूंघ भी लेंगे तो शायद बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो कभी पदार्थ सामने आया नहीं। वड़ा पाव आता है सामने, क्या आता है? वड़ा पाव। माँ के हाथ का अच्छा नहीं लगता ना, पत्नी और बहन का हाथ का अच्छा लगता नहीं ना, इसके लिए तू तो बेकार बन, रोज रोज वही दे देती है कि एकदम कंटाल गया हूं तुम लोग से। ए जाओ वो मगन लाल का बड़ा पाव लेके आओ, बहुत टेस्टी रहता है ना। अभी मगन लाल का बड़ा पाव खा के मगन हो जाता है। तो ऐसे भयंकर स्थिति है। मैं आप सबसे निवेदन करूं हाथ जोड़ के, घर का प्रसाद खाइए, भगवान को अर्पण करके जो बनाते, रूखा सूखा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, नमक रोटी दीजिए भगवान को। भगवान विदुर रानी के केले के छिलके खा लिए थे, दुर्योधन का 56 भोग देखा भी नहीं पलट के। आप प्रेम से खिलाइए, आप प्रेम से खिलाइए, प्रेम से गागा के खिलाइए, कीर्तन करके, ताली बजा के, नाच के खा लो भगवान, और कुछ नहीं तो आंसू बहा सकते आप। आपके पास बहुत आंसू है, ये आंसू भगवान के पास ही बहाने के लिए। दुर्भाग्य ये है कि हम संसार की चीजों के लिए बहाते हैं। जीवन ऊंचा उठेगा, आनंद होगा, इस कलयुग में भी, इस ताप में भी आनंद करेंगे। ये सब भक्त आनंद कर रहे हैं, कौन कोई कहेगा बेवकूफ लोग है, अपना पैसा लगाते, समय लगाते, रात रात भर मेहनत करते हैं। यहाँ की विशेषता और भी है, जितना भी प्रसाद बन रहा है, कट रहा है, साफ हो रहा है, सब भक्त लोग कर रहे, एक मजदूर नहीं है, कोई कैटरिंग सर्विस नहीं है। ये जिनका जगह है सत्यम डेकोरेटर जो सेठ है प्रदीप कुमार जी, उनको इतना आनंद हुआ हम लोग के साथ हो लिए, वो हम लोगों को सहयोग करते हैं, और कैटरिंग का प्लेट छोड़ के रात को आके हम लोग के साथ प्रसाद खाते। तो इस प्रकार से भगवान को एक फूल चढ़ाइए, नमक रोटी जो भी, भगवान आपके घर में भी आएंगे, आपके घर में भी भगवान सर झुका सकते हैं, आपको उसका अनुभूति हो सकता है, वो आनंद आप अनुभव कर सकते हैं। अरे मुझे जो कुछ नहीं आता है, मैं बोलता जा रहा हूं, बोलता जा रहा हूं, आप सब एकाग्र चित्त होके, शांत चित्त होकर के, प्रफुल्लित होके, मैं देख रहा हूं कई लोगों के दांत बाहर है, बंद नहीं हो, मुंडी झुकाना पड़ता है, दांत इतना निकल जाता है, ये आनंद रोकी नहीं जा सकती। अगर रोज रोज चाहते, हर क्षण चाहते हैं, तो भगवान का चिंतन, भगवान की सेवा, भगवान का प्रसाद, भक्तों का संग, भगवत गीता का पठन पाठन जीवन में बसा लीजिए। रोम रोम में, रग रग में, सांस सांस में आनंदित हो जाएंगे, जीवन धन्य हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, आपका कुल भगवत धाम को प्राप्त हो जाएगा।
बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए आनंद बाजार में नहीं मिलता है, कोई दुकान है आनंद का? संसार में आनंद का दुकान है क्या? सब चीज का दुकान है, आनंद का दुकान है नहीं है ना होगा। आनंद अंदर है, आनंद कण अंदर है, भगवान परमात्मा रूप में अंदर है। जब आप आनंद के साथ भगवान के साथ रम हो करके, एकदम उसमें रम करके जब आप भजन गाते कीर्तन करते उनका नाम लेते ताली बजाते, तब भगवान बाहर आपको आनंदित करने लग जाते, प्रफुल्लित करने लग जाते। तो आनंद कण अंदर है, अनुभूति करिए उनका, उनको बाहर प्रकट करिए, उनको निकालिए निकालिए निकालिए। हम लोगों ने इतना कचरा डाल दिया है खाका के पीपी के बेचारे दबे अंदर, एकदम दब के बैठे ऐसे। तो हरि नाम सुंदर तरीके से प्रेम के साथ सभी लोग विष्णु पादाय कृष्णा प्रेक्षाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्य राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। तो श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि एवरी हाउस शुड बी ए टेम्पल। अगर एक्सेंट थोड़ा सा बाहर का करें, आजकल एक्सेंट का जमाना है, एवरी हाउस शुड बी अ टेम्पल। बहुत लोग अलग अलग स्टाइल में बोलते हैं ना, सीधा सीधा बात कर सकते। हर घर में प्रभुपाद गुरु महाराज ने कहा, जो भगवान कृष्ण के एक शुद्ध भक्त हैं, वो कहा कि हर घर एक मंदिर की तरह होना चाहिए, मंदिर ही होना चाहिए, और हर जीव एक साधु की तरह होना चाहिए। उसमें भले हो गृहस्थी हो, वो पवित्र शुद्ध होना चाहिए। हमने स्लोगन लिखा है, घर को मंदिर बनाओ, परिवार संग संकीर्तन गाओ। घर को मंदिर बनाओ, परिवार संग संकीर्तन गाओ। आप लोगों ने क्या किया है, घर को थिएटर बनाओ और परिवार संग डीजे बजाओ। अरे 50-50 हजार के टीवी घरों के अंदर रहता है और बड़े बड़े सिंगर गाते हैं उसके अंदर, फिर भी ऐसे आनंद में नाच नहीं पाते। नाचते हैं क्या? भगवान के लिए नाच रहे थे, भगवान के लिए गा रहे थे, और कुछ देना भी नहीं था, मिलेगा ही मिलेगा। अभी आनंद मिल रहा है, बाद में परमानंद महाप्रसाद मिलेगा, गेट के बाहर जाते जाते कुछ उपहार भी मिलेगा। भैया, ये भगवान की व्यवस्था है, भगवान ऐसे ही करते हैं, और भगवान की भक्तों का प्रयास है, उन्होंने भी भगवान से ऐसे ही कुछ सीखा है। जो कुछ बन पड़ता है लोगों के लिए लगाओ, उनको आनंद दो, अगर हमें आया है तो। लेकिन वी आर ए स्मार्ट बॉय, वी आर ए स्मार्ट गर्ल, हम लोग चालू लोग है, चालाक बुद्धिमान। अरे दे रहा है ना, ले लो। कितने तो पंडाल में लेने ही आए, सिर्फ चप्पल ले लेते हैं, कुछ इधर उधर रखा रहता वो ले लेते हैं, कुछ मिला यहाँ लगाने के लिए वो ले लेते हैं। ऐसे भी है कुछ दे, भैया आप जा रहे हो वहां दे देना, भैया ने रख लिया इधर। यहाँ 9 दिन भंडारा कैसे होगा भाई, हजारों लोग, दरवाजा खुली है, कोई चावल कोई दाल कोई तेल, अनेक प्रकार के जो सामग्री है खाद का, कोई ना कोई दे के जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी महानुभाव है, उसमें से भी लेके जाते हैं, अपने घर में ले जाऊंगा, हमारा जो बैंक बैलेंस है वो तो बचेगा ना। ऐसा जो भी करते हैं उनके मानसिक संतुलन का ठिकाना नहीं रहता है, बिगड़ जाता है। भगवान का अगर एक अधेला भी आपने ले लिया, छुपा लिया, खा लिया, जो भगवान के लिए लगाना है, आपका चिंता बढ़ेगा, पारिवारिक चिंता, मानसिक चिंता, सांसारिक चिंता, टेंशन में रहेंगे, टेंशन में। मैं नहीं कह रहा हूं प्रसाद मत खाना, गिफ्ट नहीं लेके जाना, जो मिल रहा है प्रेम से उसको प्रेम से लेना, जो नजर बचा के हो रहा है वो वाला काम नहीं करना, कोई देख लेगा नहीं ऐसा वाला। आप लोग आते हैं प्रेम से चप्पल कहीं रख देते हैं, कई स्मार्ट बॉय पहन के चले जाते हैं, इसीलिए आते हो। तो भैया ऐसे कामों से आप लोग बच के रहिएगा। आप लोग जो भी इस काम के लिए आए हैं, यहां से हरि नाम लेके जाना। आपके एक दो चप्पल नहीं, एक दो गोनी नहीं, एक दो लाख नहीं, कई लाख भगवान दे देंगे, कई लाख करोड़ों में दे देंगे, भगवान अपने से भी ज्यादा दे देते। ये जगह त्यागने की है, लूटने की नहीं है। सत्संग में त्यागा जाता है, जो सत्संग करता है वो बैरागी हो जाता है। भक्त वही है जिसके जीवन में बैराग आया, त्याग आया। भक्ति महारानी के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जो भक्ति करता है वो ज्ञानी रहता है, वैरागी रहता है। वो ज्ञान उनको है कि भैया मुझे कुछ अर्जन नहीं करना है,
त्यागना है, वैराग्य, त्यागी विरक्त है। तो प्रभुपाद की इच्छा पूरी हो रही है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो माता पिता है वो एकदम छोटे बच्चे सभी संकीर्तन कर रहे हैं, साथ में घर में रोज भगवान की सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग होती है, सुबह उठ के माता पिता का पैर पकड़ के दंडवत करके प्रणाम करिए, भगवान को प्रणाम करिए, भगवान को फूल चढ़ाइए, हार चढ़ाइए, गीता पढ़िए, कीर्तन करिए, करताल बजाइए। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? भैया कंप्यूटर ले लो, तुमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और बड़ा होके लोगों का किडनी निकालना है। आपने सुना भगवान का कोई भक्त घोटालेबाज हो गया? सुना क्या? भगवान का कोई जो परम शुद्ध भक्त है बहुत बड़ा घोटाले में उसका नाम आया? सुना? गंगा, गीता जी, गायत्री मंत्र और गाय माता, यहां देख रहे हैं सुंदर सुंदर गाय माता का दर्शन हो रहा है आप सबको। अगर इनका दर्शन करेंगे, इनका सेवा करेंगे, इनको संभाल के रखेंगे, आपका हमारा जीवन ऊपर उठने वाला है। ये गंगा इतनी पवित्र है, गीता जी की महिमा तो आप लोग कल से आज तक सुन रहे हैं। गौ माता का अगर आप दर्शन कर लीजिए, सिर्फ उनका, उनके पूंछ का आप अगर सर पे स्पर्श कर लीजिए, आपके आधे पाप नष्ट हो जाते। गौमूत्र, गोबर अगर उसका आप दर्शन कर लीजिए, टच कर लीजिए, आपके जीवन के अनेकों अनेकों कष्ट और पाप और रोग दूर हो जाते। गायत्री मंत्र, ये सब पवित्र करने वाले हैं, ये सब शुद्ध करने वाले, भगवान को प्रेम करने का रास्ता प्रशस्त करने वाले हैं। एक गाय भगवान को अतिशय प्रिय है, अतिशय प्रिय, सबसे ज्यादा गाय भगवान ने कभी छोड़ा ही नहीं। गाय के लिए भगवान ने चप्पल तक नहीं पहना, गैया खाली पैर चलेगी और मैं चप्पल पहनूं हो नहीं सकता। भगवान नंगे पैर, छोटे से भगवान कृष्ण का अवस्था था जब ही गौचारण करते थे, खाली पैर पूरे वृंदावन और ब्रज में गौचारण करते थे, इतना प्रिय है। तो गाय का दूध पीजिए, गौमूत्र, गोबर, इनका दर्शन, गांव की सेवा करिए। अब हमारा तो फ्लैट ही है 220 फुट का, वन रूम किचन, या किसका किसका तो 100 फुट ही है, 10x10 का चौल में है, कहाँ गाय रखेंगे? कोई बात नहीं, एक रोटी निकालिए, वो भी नहीं, कोई बात नहीं, 5 रुपया निकालिए, वो भी बात नहीं, उनकी कुछ सेवा कर दीजिए, उनको जाके थोड़ा सा उनके शरीर पे मसाज कर दीजिए, स्पर्श कर लीजिए, ये सेवा हो गई, उसमें तो कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन हम सब घर में इतने रच पच गए हैं, हमें सारी चीजें समझ ही नहीं आती, और इसके कारण हमारे जीवन में हरि नाम नहीं होता, भगवान का नाम नहीं होता। अगर आप सब चाहते हैं कि हमारा घर भी, हम भी, हमारे बच्चे भी, सभी लोग भगवान का नाम जपे, तो आज से ही अभी से प्रयास शुरू कर दीजिए। ना पैसा लगना है, ना मेहनत करना है, ना किसी के पास जाना है, ना किसी को दक्षिणा देना है। 4 घर में लोग हैं, बैठे, ताली बजाया, करताल, करताल मींस क्या होता है? ये दो हाथ को कर बोलते हैं और इसको ताल बोलते, करताल बजाया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के लिए ताली बजाएंगे, गाएंगे, भगवान आपके ऋणी हो जाते हैं, आपको उसका कुछ ना कुछ सुंदर परिणाम आने वाला है, जमा हो गया है, ये धन नष्ट नहीं होता, साथ साथ चलता है। लेकिन अगर किसी और के लिए तालियां बजाएंगे, सिर्फ उनका लाभ होता है, आपको कुछ नहीं हाथ आता है, आपका कीमती समय बर्बाद होता है।
तो जागते रहिए, कैसे रहिए, विचार में रहिए, जागते रहिए, बुद्धिमान जीव है, विचार करके भगवान की सेवा करते रहिए, उसमें लगिए, तभी आपका जीवन सार्थक हो सकता है। नहीं तो शहर में अनेकों प्रकार के काम धंधे, आध्यात्मिक काम धंधे है ना, तो समझ के जाइए। आप उस आम खाने में आनंद आता है, पैसा चुकाते हैं और फिर खाते हैं, आप कोई ऐसी वैसी बिज्जू और खट्टी मीठी नहीं लाते खरीद के। ऐसे ही जहां भगवान के शुद्ध भक्त, जहां भगवान के सेवक, दासों के दास, जो कृष्णमय है, कृष्ण को तत्व से जानते हैं, कृष्ण की सेवा में लगे हैं, जीवन कृष्णमय है, अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया है, ऐसे कथाओं में जाना सार्थक है, उसका परिणाम आता है, उसका फल मिलता है। बाकी जो फैशन की तरह, सीजन की तरह आ गए, वहां सिर्फ व्यर्थ होता है, व्यर्थ। तो इस प्रकार से हम लोग गीता जी की महिमा ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए कि हम ज्ञान हमारा वर्धन हो। ज्ञान जब वर्धन होगा, ज्ञान जब पूर्ण की तरफ बढ़ेगा, पूर्ण तो कभी नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण सिर्फ भगवान है, हम सब अपूर्ण हैं, फिर भी पूर्णता की ओर आगे बढ़ेगा तो हम भक्ति को अपना लेंगे। क्यों? भक्ति सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस लोक में भी और ऊपर के लोकों में भी। जिसने भी भक्ति किया है उनकी महिमा गाई जाती है, बारह महाजन, अनेक अनेक भक्त अमर हुए भगवान का भजन करके, सेवा करके। आप देख रहे थे परम पूज्य श्री मधुमंगल दास जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भगवत कथा का विशेष प्रसारण। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, जन जन तक हरिनाम पहुंचता रहे। भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा जी अपने स्वयं के स्थान में विराजमान हो सके, इसके लिए आप सभी दानदाताओं से अनुरोध है कि इस परम पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहयोग देकर भगवान की कृपा एवं प्रेम प्राप्त करें। हरे कृष्ण।